आज सभी ने अपने प्यारे मीठे बाबा का झंडा लहराया तो झंडा सदा ही ऊंचा लहराते हैं ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम बच्चे सदा जैसे मेरा झंडा ऊँचे ऊंचा ले रहती है ऐसे आप भी मेरे बच्चे सदा ऊंचे ते ऊंचे स्थिति में स्थित रहो क्योंकि हम सब जानते हैं कि सारे विश्व के अंदर और कोई भी आत्माएं इतनी श्रेष्ठ या ऊंची नहीं है हम भी ऊंचे क्यों बने कब बने जब ऊंचे थे ऊंचे भगवान ने अपना बना दी ऊंचे तो ते ऊंचे बाबा ने हमें भी ऊंचे ते ऊंचा बना लिया तो बाबा कहते हैं कि जब मैंने तुम बच्चों को ऊंचे ते ऊंचा बनाया तो तुम उसी ही ऊंचे स्थिति के नशे में रहो निश्चय में रहो कि हम ही विश्व के अंदर जो गायन है कोटों में कोई कोई में भी कोई कोटों में कोई तो बहुत होंगे लेकिन हम सब कोई में भी कोई है थोड़े से है हम अभी बाबा कह रहे हैं कि नौ लाख बनाओ आज तो तैतीस करोड़ की बात आ गई क्योंकि बाबा का विश्व का है ना तो विश्व का मालिक होने के कारण बाबा को ये नौ लाख एक सौ आठ की माला सोलह हजार ये कुछ भी नहीं लगता है तो अभी तो बाबा कहते हैं तैतीस करोड़ देवताएं जो हुए गाय को आकर भी देवताओं के रूप में जो गए हुए हैं तो कुछ तो संदेश लेंगे ना तभी तो देवताए त्रेता तक भी आ जाए इसीलिए हमें ये बाबा का बनने के बाद नेचुरल निश्चय होना चाहिए निश्चय बार बार याद लें मैं वही हूँ मैं वही हूँ मैं वही हूँ हूँ या नहीं हूँ कभी थोड़ा नीचे ऊपर हुआ तो नहीं हमारी नेचुरल लाइफ ही बाबा ने ऊंचे से ऊंची बना दी अब बाबा ने ये नशे की बात है कि हमने बाबा को नहीं ढूंढ सके हम बाबा को ढूंढ सके बिल्कुल ही नहीं पता ही नहीं था है कौन और ढूंढेंगे कैसे लेकिन बाबा ने हमको ढूंढा है आप देखो कितने देशों से आप आए हो भिन्न भिन्न देश में कहा चलो अमेरिका देखो ऑस्ट्रेलिया देखो यूरोप देखो कहाँ भिन्न भिन्न शहरों में आप छिपे हुए थे लेकिन ढूंढा किसने बाबा ने दुनिया वाले भगत लोग जो है वो बाबा को ढूंढते हैं भगवान कहा मिल जाए और हमको बाबा ने ढूंढा है ये नशा है ना है हा ये नशा है कि बाबा ने हमको ढूंढा है बाबा ने हमको अपना बनाया तो बाबा ने कुछ तो हमारे में देखा होगा ना बाबा ने क्या देखा एक गीत भी है तुमने मेरे में क्या देखा बाबा ने क्या देखा हमारे में जो हमको ही अभी ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग होंगे लेकिन हम भ्रमण कितने उसमें से होंगे और उनो को ही बाबा ने ढूंढ के अपना बनाया हो सकता है कोई बाजू में भी रहता हो नज़दीक में रहता हो गली में रहता हो उसको नहीं अपना बनाया दूर से कार में आने वालों को बना दिया क्यों बनाया कारण क्या तो बाबा ने हम सब बच्चों में जो भी बाबा के बच्चे बने हैं बाबा ने हम सब बच्चों में एक विशेषता देखी इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि मेरी जो भी बच्चे मेरे हैं वो विशेष आत्माएं हैं तो कई भाई बहने कहते हैं बाबा कहता तो है कि विशेष आत्मा हो आप और हम समझते भी है कि हम विशेष है लेकिन हमको पता नहीं पड़ता है मेरे में क्या विशेषता है अपनी विशेषता का पता नहीं पड़ता है तो आप सभी में एक विशेषता बहुत बढ़िया है चाहे आप जानो नहीं जानो लेकिन है आप में विशेषता कौन सी विशेषता है आप सभी में आ, बाबा को पहचानने की आंख आपको है तीसरा नेत्र आपके पास है जिस तीसरे नेत्र द्वारा आपने भगवान को पहचान लिया साधारण रूप में आते हुए रूप तो कोई कृष्ण जैसा सजा सजाया नहीं है साधारण ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आया लेकिन जो भी यहाँ हम बैठे हैं उन्होंने बाबा को पहचाना तब तो बाबा के बने ना इतनी टिकट खर्च करके छुटियाँ लेके जो आए हो मधुबन में क्यों आए हो जरूर बाबा को पहचाना है बाबा से प्यार है तब तो यहाँ पहुँचे हो ना। तो हर एक में ये विशेषता अपनी जरूर समझो और विशेषता कितनी भी आप नहीं जान सको अपनी लेकिन एक विशेषता आप सब में है कि आप को तीसरा नेत्र है भगवान को पहचानने का और आप में दिव्य बुद्धि है परमात्मा को पहचानने की इसीलिए आपकी ये विशेषता जो है वो बाबा ने देखी और जहां भी कोने कोने में थे आप अभी अगर देश सुनाते हैं हम फलाने देश से आए हैं चालीस देशों से आए हैं नाम अगर सुनो तो रिपीट भी नहीं कर सको लेकिन बाबा ने कैसे आपको पहचान लिया और पहचान करके इतना प्यार बाबा का हम आत्माओं से है जो बाबा ने जाना कि ये बच्चे तो बहुत समय से मेरे प्यारे थे बिछड़ गए हैं अभी मेरे को कैसे पाएंगे तो बाबा ने ही अपने बच्चे आपके पास भेजे देखो बाबा हम लोगों को शुरू शुरू में कहता था विश्व की बात करता था बाबा इंडिया की बात नहीं करता था हमने पहले भी अनुभव में सुना है कि जब हम छोटे छोटे बोर्डिंग में आए पाकिस्तान में तो हम लोग आठ नौ दस हमारी जो ब्राह्मणिया थी वही पंद्रह साल की थी तो हम तो उनसे छोटे होंगे ना तो जब भी बाबा हम लोगों से मिलने बच्चों से आते थे उन दिनों में चार बजे का योग नहीं होता था लेकिन हम लोगों को बाबा ड्रिल कराता था तो जो ड्रिल में हमारी चंद्रमणि दादी का फोटो देखा होगा बाकी कईयों ने नहीं देखा होगा तो हमारी चंद्रमणि दादी जो थी ना वो ड्रिल टीचर थी हमारी इंग्लिश की भी टीचर थी ड्रिल की भी थी तो वो सीटी बजाती थी और हम सब बच्चे जो है वो आंगन में लाइन में आके खड़े होते थे ड्रिल के लिए तो जब ड्रिल के लिए हम लाइन में खड़े होते थे तब बाबा और मम्मा दोनों दोनों ही उस समय हमसे गुड मॉर्निंग करने के लिए आते थे एक एक से गुड मॉर्निंग ऐसे हाथ मिला के या ऐसे हाथ में लेके के बाह में लेके एक एक बच्चे को बाबा गुड मॉर्निंग करते थे और गुड मॉर्निंग करके बाबा बहुत करके हम लोगों को कहते थे मुझे तुम बच्चों को देख करके बड़ा खुशी होती है नाज है आप बच्चों के ऊपर तो मेरा एक एक बच्चा जो है ना वो विश्व कल्याणकारी बनेगा हम लोग हंसते थे आपस में तो विश्व का नक्शा भी हमने नहीं देखा था इंडिया का ही देखा था हम कहते थे बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी बनेंगे कैसे बनेंगे हम लेकिन भगवान का वरदान जाता नहीं है हमको भविष्य का पता नहीं था वो तो भविष्य जानता ही था तो बाबा को सदी विश्व के बच्चे ही सामने आते थे विश्व की सेवा करनी है विश्व में जाना है संदेश देना है विश्व ही बाबा को सोख्यू गए है ही विश्व का रचता ना आया भले इंडिया में लेकिन है तो विश्व का कल्याणकारी ना तो विश्व बाबा के सामने हमेशा रहती है और विश्व में से आप देखो बच्चों को कहाँ से निकाल के अपना परिवार बना दिया अभी हम थोड़ी कहेंगे कि ये क्रिश्चियन है ये मुस्लिम है ये फलाना है ये फलाना है नहीं हम सब कहेंगे जो भी यहाँ बैठे है वो क्या कहेंगे हम एक ही ब्राह्मण परिवार और परिवार के नहीं है एक ही, ही ब्राह्मण परिवार और अगर हमारे स, हम सब से कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है तो क्या कहेंगे आप अमेरिका इंग्लैंड है मधुबन है ना और इस समय तो आप मधुबन निवासी है ही तो परमानेंट एड्रेस परमानेंट परिवार हमारा एक ही ब्राह्मण परिवार है और ब्राह्मण परिवार की परमानेंट एड्रेस हमारी मधुबन है आप समझते हो मधुबन की परमानेंट है मुरली में बाबा ने जानकी दादी को भी बहुत याद आती है ये पॉइंट बार बार रिपीट करती है तो बाबा ने एक मुरली में कहा कि जो मेरे बच्चे भले अलग अलग स्थान में चले गए हैं विश्व के कोने कोने में चले गए हैं जन्म भी और और धर्म में ले लिए हैं लेकिन वो एक जन्म सेवा के प्रति गए हुए जो एक जन्म बस सिर्फ गए हुए है सेवा के प्रति वो उन्हों को तीर लगेगा और ब्राह्मण बन जाएंगे तो आप कौन हो वही हो ना जो बाबा कहता है कि एक जन्म सिर्फ थोड़ा सा या एक दो जन्म सेवा के प्रति सचमुच अगर आप देखो कि आप लोग भिन्न भिन्न देश में नहीं होते तो इतनी भाषाएं इंडिया वाली बहनें थोड़ी सीख सकती थी और आप भिन्न भिन्न आत्माओं की भिन्न भिन्न देशों में सेवा थोड़ी कर सकती थी इसीलिए आप लोगों का एक दो जन्म जो है वो सिर्फ बाहर देश में हुआ है सेवा के लिए बाकी तो आपके जन्म कहाँ हुए हैं ब्राह्मण परिवार में ही थे सिर्फ थोड़ा समय गए सेवा करके और वो फिर अपने परिवार में पहुंच गए तो इसीलिए हम सभी को बहुत बहुत ये खुशी और नशा होना चाहिए कि हमको बाबा ने ढूंढा है हमको बाबा ने अपना बनाया है क्योंकि हम तो अपना बना ही नहीं सके पता ही नहीं था लेकिन बाबा ने हमको अपना बनाया बाबा ने बाबा की परख तो राइट होंगी ना तो बाबा ने मुझे परखा कि मैं ही हूं वो ही मैं ही वो हूं और बाबा ने अपना बना दिया तो इस खुशी में रहने से क्या होगा कि बाबा आपको कभी नहीं भूलेगा। किसने अपना बनाया मुझे वो तो याद आएगा ना रचता तो याद आएगा ना रचता को तो कोई भूल नहीं सकता ना तो हमको बाबा ने अपना बनाया इस नशे में जरूर रहना चाहिए और आज का टॉपिक भी था कंबाइंड रूप का तो अगर हम देखें एक है हम लोग कहते हैं बाबा हमारे साथ है साथ तो है ही कंबाइंड भी तो साथ ही होंगे लेकिन साथ में फिर भी कभी किनारा हो सकता है लेकिन कंबाइंड कभी अलग नहीं हो सकता है। कोई भी आप देखो कंबाइंड चीज होंगी वो अलग होंगी साथ ही साथ होंगी तो बाबा हमारे कंबाइंड है तो कंबाइंड चीज कैसे भूल सकती है अगर मेरी समझो ये दो बाएं हैं, दोनों बाएं हमारी कंबाइंड हो कारने अकारने से और दोनों एक दो के साथ लगी हुई है एक दो से अलग होंगी क्या इसीलिए बाबा कहता है कंबाइन अगर समझते हो तो तो भूलने का क्वेश्चन ही नहीं है, है कंबाइंड कि साथ है कभी बिखर भी जाता है कभी ऐसे होता है साथ हो होते हुए कभी कोई बात हो जाती है ना तो एक का मुंह इधर हो जाता है इत, एक का इधर हो जाता है साथ में फिर भी ये थोड़ा हो जाता है लेकिन कंबाइन कभी अलग नहीं हो सकता है। और हम देखो दिल से कहते हैं कंबाइंड के स्मृति में रहना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि हम लोग सभी कहते हैं सलोगन है हमारा कि बाबा ही हमारा संसार है ये सलोगन है ना हमारा हमारी दिल कहती है ना कि बाबा ही हमारा संसार है तो संसार में ही तो सब कुछ होता है ना और कोई संसार थोड़ी है बाबा ही हमारा संसार है तो जो भी संसार में आकर्षण करने की चीजें है चाहे मनुष्यात्माएं है चाहे प्रकृति है चाहे वैभव है प्रकृति वहीं तो बुद्धि जाती है ना चाहे संबंध है लेकिन जब हम कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है तो संसार में सब कुछ आ गया और बाबा ही मेरा संसार है और कोई है ही नहीं हमको याद है जब छोटे छोटे हम बाबा अवैध हुए तो हमारे क्लासेस बहुत होते थे तो उसमें एक क्लास बहुत रमणी को होता था तो बाबा ने हमको एक सीधा रास्ता बताया मंजिल बता दी है और कोई गलियां बलियां नहीं है कोई गलियां वगैरह होती है ना तो गलती से कोई उस गली के बजाय दूसरी गली में चला जाता है लेकिन है ही हाईवे एक बीच में है ही नहीं कुछ तो और हमारा बुद्धि जाएगा कहाँ अगर कोई गली हो तो तो हम बटके लेकिन यहाँ तो एक ही रास्ता एक ही संसार है हमारा बाबा फिर बुद्धि जाए कहा? हम अपना ही गलियां अपनी आप ही बना देते हैं, लेकिन है वास्तव में एक ही हाईवे है बस यहां से चलो वहां पहुंचना है साकार वतन से सुखे वतन में फ्रिश्तों के लोक में क्रॉस करके परम धाम में जाना है बस यही हाईवे है और कोई है ही नहीं तो बाबा ही जब हमारा संसार है एक बाबा दूसरा न कोई ये भी हमारा सलोगन है बाबा एक बाबा दूसरा न कोई तो दूसरा है ही नहीं तो बुद्धि जाएंगी कहाँ तो अपने आप से ये जो हमारे स्लोगन कहो या महावाक्य बाबा के कहे हुए है वो स्मृति में लानी चाहिए अच्छे लगते हैं कहेंगे ये बहुत स्लोगन अच्छा लगता है कभी भी नीचे ऊपर होवे ना तो ये स्लोगन बहुत याद आ र लेकिन होता क्या है अच्छा बहुत लगता है ऐसे तो मुरली जब सुनते हैं ना तो इतना खुश होते हैं जैसे नाच रहे हैं बस मुरली की तान में नाच रहे हैं खुशी में और फिर जब कामकाज में जाएंगे तो कहेंगे कोई पूछेगा आज के मुरली में कौन सी विशेष पॉइंट थी वो तो कहते हैं थी बहुत अच्छी थी तो अच्छी याद करती हूँ याद करता हूँ हाँ, बहुत अच्छी अच्छी तो थी लेकिन थोड़े समय के बाद काम काज के बाद भूल जाती तो ये हमारे को ये समय पर स्मृति में आवे ना स्लोगन बहुत हमारे अच्छे हैं। निश्चय की पाइंट्स हमारी बहुत अच्छी है सोमान की पाइंट्स बाबा कहते हैं बहुत अच्छी है और बहुत है लिस्ट है लेकिन समय पर याद आवे ऐसे ही बाबा कहते हैं जो शक्तियाँ है अच्छा शक्तियाँ तो बहुत है हा? लेकिन हम कहते हैं एक चित्र है ना आठ शक्तियों का वो चित्र तो सबको मेजोरिटी याद होगा चलो और डिटेल नहीं याद आवे आठ शक्तियां भी अगर हमने अपने में धारण कर लिया तो आठ में और सब समाई हुई है लेकिन शक्तियां अच्छी लगती है नॉलेज है अभी अगर मैं किसे पूछूं, भाई या बहन जी सहन शक्ति का महत्व आपको पता है किस समय यूज करना है कैसे यूज करना है आपको मालूम है आप पूरा भाषण कर सकती हो आधा घंटा इस पर एक कर सकता है लेकिन जिस समय कोई बात आती है हमारे सामने समझो कोई ने थोड़ा नीचे ऊपर कह दिया तो उस समय सहन शक्ति चाहिए ना और बूझ करके माया हमारी ट्रायल तो करेंगी बाबा ने कह दिया है विघ्नों का काम है आना और हमारा काम है निर्विघन बन के विघ्न को भगाना बाकी ये नहीं होगा कि विघ्न आवे ही नहीं आवे ही नहीं क्यों कई भाई बहने कहते हैं अज्ञान काल में आप और ही मेरे में क्रोध था ही नहीं मैं बहुत अच्छी नेचर का था ज्ञान के बाद और ही क्रोध भी आने लग गए अज्ञान काल में ये नहीं था ज्ञान में आकर के हो गया है क्यों उसका कारण क्या है अज्ञान काल में तो आप थे ही माया के माया के साथी थे साथी लड़ेंगी क्या माया दुश्मन से लड़ेंगी या साथियों से लड़ेंगी तो अज्ञान काल में तो हम थे माया के साथी लेकिन अब हमने ज्ञान में आने के बाद माया को चैलेंज की है ओ माया हम विजयी बनेंगे है ना चैलेंज की है ना हम विजयी आत्मा है हम विजयी बनेंगे प्रकृति जीत बनेंगे माया जीत बनेंगे तो आपने चैलेंज की क्यों अगर चैलेंज की है तो वो भी तो सामना करेंगी या ऐसे ही बैठ जाएंगी ऐसे थोड़ी है युद्ध के मैदान में मैं कहूँ हूं मैं विजयी लेकिन दुश्मन को सामने नहीं हो ये विजयी होता है क्या दुश्मन तो सामना करेगा ना तो ज्ञान में आने के बाद हमने ही माया को चैलेंज की है प्रकृति जीत बनने के लिए तो माया तो आएगी ना लेकिन क्या होता है अभी मेरे को पता है सहन शक्ति इस टाइम में यूज करनी चाहिए पता है और जिस समय कोई बात आती है, उस समय याद भी आता है बाबा ने कहा था सहन करना है बाबा की मुरली में नहीं था था माया को हिलना नहीं है अचल बनना है अडोल बनना है लेकिन कह भी रही हूँ लेकिन सामना कर नहीं सकती हूँ जैसे एक कहानी बाबा सुनाता था मुरली में अभी भी सुनाता है तो एक तोता था उसको डायरेक्शन दिया तो भाई तुम नल के पर नहीं बैठना लेकिन वो क्या करता था नल के पर बैठ के ही कह रहा है कि तुमको नल के पर नहीं बैठना है तो बाबा भी कहते हैं कई मेरे बच्चे क्या करते हैं उस समय कहते हैं बाबा ने कहा सहन शक्ति धारण करो लेकिन सहन शक्ति धारण ही नहीं होती उस समय फिर भी रोब आ जाता है क्यों क्या ये क्या समझता है क्यों मैं कम हूं क्या मैं भी तो समझदार हूं बस सहन शक्ति खत्म तो समय पर हमको शक्ति काम में लानी चाहिए सामना करने की शक्ति है हमारे पास लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है उस समय सामना नहीं किया परिस्थिति में हार खा ली और पीछे मैं बैठ करके सोचूं अगर मैं सामना कर लेती थी ना कितना अच्छा होता सामना करना बहुत जरूरी था, था। है नहीं था वो तो था तो था ही रह जाता है तो इसीलिए बाबा कहता है अपने मन में रिवाइज करो ज्ञान की पाइंस शक्तियाँ युक्तियाँ जो भी बाबा विधि सुनाते हैं उसको मनन करते रहो रिफ्रेश करते रहो ऐसे नहीं मुरली सुनी शक्तियाँ हाँ सहन आठ शक्तियां तो ठीक है याद लेकिन समय पर वो शक्ति याद आवे यूज मैं कर सकूँ ये अभ्यास चाहिए क्योंकि समय निकल गया फिर तो हम कितना भी कोशिश करेंगे वो समय फिर से तो आना ही नहीं दाग तो लग गया ना बाबा हम लोगों को कहता था तो देखो आपका रजिस्टर बाबा के पास है अगर आप कुछ भी करते हो ना नीचे ऊपर तो दाग तो रजिस्टर में लग जाता है हमने कहा बाबा आजकल तो ऐसे रबर निकले है साइंस वाले द्वारा जो मिट जाता है पता ही नहीं पड़ता है तो बाबा कहता था भले पता नहीं पड़े मिट जाए लेकिन फिर भी ये होगा कि मिटा हुआ है इसीलिए हम कितनी भी कोशिश करें हमारे रजिस्टर में अगर समय पर हम पुरसारथ करके पास नहीं होते हैं तो हमारा मिटने का दाग तो नंबर आ ही जाएगा चाहे हम योग से बसम भी करते हैं लेकिन ये तो रिकॉर्ड रहा ना तो आया धाग और उसको मिटाया ये तो वर्णन करेंगे बेधाग तो नहीं गाए जाएंगे इसीलिए बाबा कहते हैं बेधाग बिल्कुल तो आठ ही बनते नहीं तो कितने हम छः लाख तो हो गए हैं छः लाख में से आठ अष्ट देवताएं फिर एक सौ तो फर्क तो होगा ना आठ में भी जो नंबर वन होगा और आठवां नंबर होगा वो भी तो फर्क होगा कि नहीं होगा और एक सौ की तो बात ही पीछे करो और सोलह हजार की तो देखते रहो इसीलिए हमको कोशिश करनी है जो बाबा ज्ञान की बातें हमको कहते हैं विद्या बिन बिन विद्या बताती है बिन बिन स्लोगन बताते हैं बिन बिन स... वरदान हमको देते हैं रोज मुरली में से हम पहले भी बताया था पता नहीं ये नया गुरु पे क्या है तो हर मुरली में आप नोट करेंगे ना चारी सब्जेक्ट होती ज्ञान योग धारणा सेवा ये हमारी चार सब्जेक्ट जो है वो हर मुरली में होती हमको याद है जब हम पाकिस्तान में थे तभी तो सेवा वगैरह कुछ नहीं थी बस हम आपस में बाबा मामा और हम और कोई नहीं तो जब हम वहां पाकिस्तान में बाबा के साथ रहते थे मुरलियां बजती थी तो हम लोगों के पास जो भी डायरिया होती थी ना उसमें हम क्या करते थे चार भाग बनाते थे एक ही डायरी में वो निशानी नहीं लगा देते एक कार्ड लगा देते है भाई धारणा की पॉइंट हमको यहां नोट करनी है तो वो निशानी डाल देते हैं ऐसे चार हम भाग बनाते थे समझो आज मोली चली तो मोली में जो ज्ञान की पॉइंट आएंगी गो ये ज्ञान की स्पष्टीकरण वो उसी में लिखेंगे भाग में और फिर योग की तो उसमें लिखते थे धारणा की उसमें ऐसे चार सब्जेक्ट की हर रोज की हर पॉइंट अलग अलग नोट करते थे एक दो तीन चार योग के बाबा ने कितनी पॉइंट्स बोली होंगी रोज की मुरली एक एक में भी तो हम लोग ऐसे डायरी बनाते थे समझो सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है हमारी ज्ञान की मुख्य बात है ये जो दुनिया कोई नहीं मानती है हम ही मानते हैं तो सर्वव्यापी नहीं है ज्ञान के सब्जेक्ट में लिखते थे तो सर्वव्यापी की बाबा क्या रोज भिन्न भिन्न बातें देते हैं वो हम नोट करते थे लेकिन वो डायरिया जो हमारी है वो वहाँ ही रह गई क्यों कि स्टीमर में आए ना तो सामान इतना उठा नहीं सकते थे हम लोगों ने बाबा को कहा हमारा डायरियों से बहुत प्यार था क्योंकि मेहनत की थी ना बाबा को कहा बाबा कपड़े भले दो चार हम छोड़ दें लेकिन डायरियाँ ले चलें बाबा तो चतुर है ना बाबा ने देखो ऐसी बात सुनाई जो कुछ नहीं कह सके हम बाबा ने कहा बच्चियां तुमको पता है तुम्हारी डायरियों का भरा महत्व होगा तुम तो समझते हो हम डायरियां ले चले लेकिन तुम्हारी डायरियां पता है कितने काम में आएंगी तो वहाँ एक टांकी थी धोबी घाट होता था धोबी घाट के लिए नहीं, नहीं। वो बनाते हैं टंकी के माफक पानी की टंकी वो बनाते हैं तो वो थी बाबा ने क्या किया वो पानी की टंकी जो है उसको खुदवाया हम तो आने वाले ही थे ना खुदवाया और जो हमारी सारी धैर्या सत्युग की भाषा क्या होंगी दिनचर्या क्या होंगी सारी राजधानियाँ क्या होंगी बहुत साक्षातकार उन दिनों में होते थे फ्री थे ना। तो सारी डायरिया जो है वो बाबा ने एक लोहे की मजबूत पेटी जो है ना वो बनवाई और उसमें हमारी सारी डायरिया डाली ताला लगा के और उस टांग की जो तोड़ी ना खडा बनाया ना उसमें बाबा ने वो पेटी जो है ना वो रखी और ऊपर से सीमेंट बीमेंट लगा दिया बाबा ने कहा ये जो तुम्हारी डायरिया है ना इससे द्वापर में शास्त्र बनेंगे तो तुम्हारी डायरिया तो बहुत सेवा करेंगी भगत लोग बेचारे इतने डैर्यों से फायदा उठाएंगे और तुम कहती हो हम साथ में ले जाए तो बाबा की बातें ऐसी बताई जो हम ना तो कर ही नहीं सके हमने कहा भले हमारे शास्त्र बनेंगे तो हमारी भी डायरी जाए हमारी भी डायरी जाए सभी खुशी से वो डायरिया जो है वो वहाँ दबा के आए हैं अभी भी कोई जाएगा तो डायरिया मिल जाएंगी वहाँ पेटी में <laughs> तो इसीलिए बाबा जो भी पाइंस बोलते हैं ना उन पॉइंट्स का सारे दिन में मनन करना चाहिए चलो एक एक सब्जेक्ट की एक ही पॉइंट चलो नोट करो अगर वो भी चार भी नहीं कर सकते हैं तो बाबा कहते हैं चार ही सब्जेक्ट में से आपको जिस सब्जेक्ट की रुचि हो किसको ज्ञान में बहुत रुचि होती है किसकी धारणा में किसको योग में तो उन टॉपिक की पॉइंट एक सारा दिन के लिए अपने मन का टाइम टेबल बिजी रहने का उस पॉइंट के द्वारा बनाओ कभी भी व्यरथ संकल्प आवे तो आप ऐसे ही सोचो नहीं व्यर्थ संकल्प नहीं आवे व्यर्थ को खत्म करना है लेकिन ख़त्म कैसे होगा अंधकार को ख़त्म करना है लेकिन ऐसे ही अंधकार ख़त्म हो जाए खत्म हो जाए ऐसे हो जाएगा क्या लाइट जलाएंगे स्विच ऑन करेंगे तब तो अंधकार जाएंगा ना इसी रीति से अगर मानो व्यर्थ संकल्प चलते हैं क्योंकि अभी हमारे खराब संकल्प तो नहीं चलेंगे बाबा के बन गए हैं ना तो खराब संकल्प तो गए अभी बहुत टाइम हो गया अभी बाकी व्यर्थ संकल्प बहुत जाते हैं तो व्यर्थ संकल्प को खत्म करने के लिए कोई ना कोई आपके मन में समर्थ संकल्प होने चाहिए जब समर्थ संकल्प आप करेंगे ना तो वो जगह बढ़ जाएंगी व्यर्थ की समर्थ उस जगह पर आ जाएंगे जैसे स्विच ऑन किया अंधकार के जगह पर रोशनी आ गई मेहनत थोड़ी करनी पड़ी कोई टोकरे भर के आपने अंधकार बाहर फेंका क्या स्विच ऑन किया बस इसी रीति से व्यरत संकल्प जो चलते हैं उसके लिए स्मृति का स्विच ऑन करो कौन सी स्मृति का जो मुरली में से आपको अच्छी बात लगी धारणा की योग की ज्ञान की जो भी पॉइंट अच्छी लगी ना वो सारे मुरली से अपने में अंडरलाइन कर दो आज मुझे मन को बिजी रखने के लिए ये समर्थ संकल्प रखना है चाहे स्वमान रखो चाहे कोई पॉइंट रखो लेकिन मन को बिजी करने के लिए एक लक्ष्य जरूर रखो लक्ष्य नहीं बनाएंगे ना भाई मुरली तो बहुत अच्छी थी तीन पेज थी चलो क्वेश्चन क्या था था तो बहुत अच्छा फिर याद नहीं आएगा टाइम पर इसीलिए एक कोई सब्जेक्ट का लेकर के आप अपने मन का टाइम टेबल बना दो बिजी रखने का जब भी व्यर्थ संकल्प चले आप श्रेष्ठ संकल्प को स्मृति में लाओ आज बाबा ने क्या कहा आज ये बाबा ने कहा अच्छा आज बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रदारी बनो स्वदर्शन चक्र क्या है कैसे स्वदर्शन चक्र हम चलाएं? स्वदर्शन चक्र से क्या फायदा होगा नुकसान क्या है और फायदा क्या है ऐसे आप श्रेष्ठ संकल्प का मनन करो तो व्यर्थ जो है ना ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे जगह भर दी ना आपने खाली दिमाग रखेंगे तो नहीं होगा जगह भरो विशेष संकल्प को मनन करो फिर देखो आपका ये व्यर्थ संकल्प सेकंड में खत्म होता है या नहीं होता है बाकी कई भाई बहने कहते हैं चलता है ना तो बैठते हैं कोशिश करते हैं बस बीज रूप में ज्योति बिंदु में ज्योति बिंदु बिंदु खिसक जाती है आती नहीं है बिंदु तो अति सूक्ष्म है ना तो वो नहीं आती है कोई हार्ट पेशेंट कहे मैं एकदम सीढ़ी चढ़ के ऊपर मंजिल में चढ़ जाऊं बेचारे का क्या हाल होगा सीढ़ी पूरी होंगी या नहीं तो ऐसे प्रयत्न करने से सब ठीक हो जाएगा ऐसे मुरली का अभ्यास कर ओम शांत